예수리라. अक्षर के नाम की अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हार सुफल दायिनी रामायण सुख धाम की। सुफल दायिनी रामायण सुख धाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा जय बोलो श्री राम की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माता त्रिजटा, युद्ध में दशानन लंकेश की पराजय हुई है। आज मेरे प्रभु ने दुष्ट रावण का अंत कर ही दिया है। माता, दुष्ट रावण का अंत कर ही दिया है। प्रभु श्री राम की जय। रघुनंदन, जिसकी प्रतीक्षा थी वो क्षण आ गया है। तीनों लोकों में आप ही की जय जयकार हो रही है। देवलोक में भी सभी रावण पर आपकी विजय का उत्सव मना रहे हैं। महाराज सुग्रीव, यह अकेले राम की विजय नहीं है, यह आप सभी की विजय है। छोटे से लेके बड़े सभी का इस विजय में योगदान है। आप सब की जय हो। प्रभु, यह आपकी महानता है कि आप अपने सेवकों की प्रशंसा करके उनका हृदय जीत लेते हैं। रावण को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था, आपने उसे परास्त किया। आपको शत शत प्रणाम।
रावण की महानता और उसके ज्ञान को अस्वीकार मत करो लक्ष्मण। रावण का पंडित्य संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करेगा। रावण एक महान योद्धा है, महान शासक है। लक्ष्मण, रावण को उचित और अनुचित का भली भांति ज्ञान है। उसकी पराजित का कारण केवल अभिमान है, अहंकार है। अन्यथा संसार की कोई भी शक्ति रावण को पराजित नहीं कर सकती थी। यदि तुम्हें अभी भी रावण के पांडित्य पर कोई संदेह है तो तुम स्वयं जाओ और रावण के मुख से ज्ञान की बातें सुनो। तुम्हें उनके सच का अनुभव हो जाएगा। जाओ लक्ष्मण। मेरे भ्राता ने मुझे आपके पास युद्ध नीति और राजनीति का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। जाओ, गुरु से व्यवहार कैसे करते हैं पहले ये सीख के आओ। भैया, वो तो बहुत अहंकारी है। मैं उससे ज्ञान प्राप्त करने गया परंतु उसने मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम कहां खड़े थे लक्ष्मण? उसके मुख के समीप। नहीं लक्ष्मण, यदि गुरु से ज्ञान प्राप्त करना हो तो सदैव उसके चरणों के पास खड़े रहना चाहिए। जाओ लक्ष्मण, रावण तुम्हें ज्ञान अवश्य देगा। मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आया। लक्ष्मण, इस समय तुम मुझसे ज्ञान प्राप्त करने आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूं और गुरु से वार्ता करने में नम्रता आवश्यक है। यही अनुशासन है और इसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। लक्ष्मण, जब भी कोई संकल्प लो उसे तुरंत पूरा कर दो। मैंने संकल्प लिया था चंद्रमा को निचोड़ कर उसका पूरा अमृत निकाल दूंगा, अपने राक्षसों को पिला दूंगा, लंका से एक सीढ़ी स्वर्ग तक लगाऊंगा। राक्षस जब चाहे स्वर्ग जा सकते हैं, जब चाहे स्वर्ग से आ सकते हैं, परंतु विधि कोई स्वीकार नहीं था और मेरा संकल्प वैसे के वैसे रह गया। लक्ष्मण, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। शत्रु और रोग, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटे फोड़े भी नासूर बन सकते हैं, छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। युद्ध नीति का पहला पाठ यह है कि शत्रु पे कभी भी अपना भेद प्रकट नहीं होने देना चाहिए। भेद प्रकट करने वाला अपना भ्राता ही क्यों ना हो, से क्षमा नहीं करना चाहिए। हर युद्ध की अपनी नीति होती है। इसे काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करते रहना चाहिए। समय समय पे उसकी समीक्षा भी करते रहना चाहिए। लक्ष्मण, युद्ध संहारक होता है, विनाशक होता है। युद्ध में केवल खोया ही जाता है, पाया कुछ नहीं जाता। जो व्यक्ति अपने आप को संसार से बड़ा मानता है उसकी दशा मुझ जैसी होती है। लक्ष्मण, राजनीति सदैव
प्रजा के हित के लिए करनी चाहिए, जिससे राष्ट्र का उत्कर्ष और उद्धार हो। ज्ञानी भी अहंकार के अधीन होकर सत्य मार्ग से भटक जाते हैं। लक्ष्मण, अहंकार अंधकार का प्रतीक है। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। सारे लंका उजड़ गए, पुलत से परिवार का कोई भी नहीं रहा, बस एक मैं कुलद्रोही बचा। मुझ पर अनुग्रह कीजिए, अपने इन बाणों से मेरे इस कलंक जीवन का अंत कर दीजिए। जय श्री राम। श्री राम। श्री, आज आपके हट ने लंका से उनका परम प्रतापी राजा छीन लिया। आज लंका अनाथ हो गई है प्रताश्री। आपने मेरी बात मान ली होती तो आज मुझे यह दिन न देखना पड़ता। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है भ्राताश्री। इस युद्ध में मैं आपका साथ न दे सका, मैं आपका दोषी हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण, करती
राजू विष्णु। सावित, आज सारे लंका उजड़ गए, बुलत्स परिवार का कोई भी नहीं रहा, बस एक मैं कुलद्रोही बचा हूं, केवल मैं। मुझ पर अनुग्रह कीजिए, अपने इन बाणों से मेरे इस कलंकित जीवन का अंत कर दीजिए, अंत कर दीजिए सोवित। मैं आपका दुख समझता हूं महाराज विभीषण, परंतु आप धैर्य रखिए, अब आप ही हैं जिन्हें अपने पुलस्त्य परिवार का नाम जीवित रखना। आइए। आप तो स्वयं परम ज्ञानी हैं, आप तो जानते हैं रावण ने असुर जाति का गौरव रखने के लिए जो गति प्राप्त की है वो पूर्वकालीन महापुरुषों की बताई गई उत्तम गति है। वैसे भी जो योद्धा किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राण गंवाता है वो वीर गति को ही प्राप्त होता है। अतः रावण के लिए बड़े आदर की बात है। मित्र, अब आप अपने मन का यह संताप दूर करें। उठिए स्वामी, उठिए। अपने परिवार की महिलाओं को शांत कीजिए, उनका धीरज बनाइए और अपने भ्राता श्री के अंतिम संस्कार की तैयारियां कीजिए। जय श्री राम। श्री राम। स्वामी अतीश। स्वामी। मत करिए।
मृत्यु का कारण बन गया स्वामी। किंतु मैं तो आपकी जीवन संगनी थी स्वामी, आपकी प्रिय पटरानी स्वामी। मुझे क्यों अकेला छोड़ गए? मुझे भी अपने साथ ले चलिए स्वामी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए स्वामी। मित्र, अपने परिवार की महिलाओं को शांत कीजिए, उनका धीरज बंधाइए और अपने भ्राता श्री के अंतिम संस्कार की तैयारियां कीजिए। जय श्री राम। कल देखिए, लंका विजय हमारा लक्ष्य नहीं था, परंतु यह महायुद्ध सीता के मुक्ति के लिए करना आवश्यक हो गया था। हनुमान, मित्र से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका जाओ और सीता को सारा समाचार सुनाकर उनका संदेश लेकर लौटो। जो आज्ञा प्रभु।